YouTube फैमिली एंड Facebook फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आपकी संप्रीत आ गई एकदम सुबह सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। वैसे आप लोग हैं कैसे? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और भी अच्छी हो गई हूँ क्योंकि सच धज के सुबह सुबह निकल पड़ी। वैसे इतनी भी सुबह नहीं है, अभी बज गया 11:05। तो आज का जो ब्लॉग है एक दूसरे टाइप का ब्लॉग होने वाला है। मेरा आज प्लान नहीं था इस ब्लॉग को बनाने का, लेकिन जब मुझे ऑफर मिला तो क्यों छोड़े। देखिए ट्रैफिक भी है और क्यों ना हो, मैं बोली ही थी कि 11 बज गया है तो इस टाइम पे ट्रैफिक थोड़ी सी भारी रहती है। तो चलिए, वैसे तो आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया है कि मैं जा रही हूँ आज नोएडा में बेनेली के शोरूम पे। तो किस लिए जा रही हूँ वो उधर पहुँच के मैं बताऊँगी। वैसे सोचे थे जब मैं जा ही रही हूँ क्यों ना एक छोटा सा आप लोगों के लिए ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि अकेले सफ़र का मज़ा लेना उतना अच्छा नहीं लगता है। बांटने से मज़ा बढ़ता है। और जब वो जगह जो मैं अभी छोड़ के आई हूँ, मुझे ये सब रास्ता बहुत पसंद है। देखिए कितना दिल्ली का रास्ता इतना सुंदर और सजा धजा है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग जहाँ से जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाते ही मिलेगा 11 मूर्ति। तो चलिए देखते हैं कि वो जगह कैसी है। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रैफिक है। ये रहा 11 मूर्ति, ये जगह मुझे इतना पसंद है, जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ। वैसे मेरे यहाँ पे 10 साल हो गए, तो मैं वीडियो या फिर फोटो में लेती ही हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सफर जारी रखते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहो और रास्ते में जो जो होगा आप मेरे साथ एंजॉय करो। चलते चलते हम अभी पहुंचने वाले हैं इंडिया गेट के पास। तो देखिए, वैसे तो 2 साल से यहाँ पे काम चल रहा था, आप सबको पता है, यहाँ पे 2 साल से भटकना नहीं हुआ। ये देखिए हमारे देश की आन बान शान, हमारी इंडिया गेट। इसके जस्ट ऑपोजिट में ही है राष्ट्रपति भवन, जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं बाइक पे थी और बहुत तेज जा रही थी, बहुत तेज मतलब अपने लिमिट से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते देखिए पहुंच गए थे, इतनी सुंदर सी जगह से हम पास हो रहे। कभी देखा है ऐसा? कितना अच्छा लगता है पता है। ये शायद मैंने लैंसडाउन जाते हुए इस जगह का वीडियो लिया था, लेकिन कभी डिस्क्राइब नहीं की। बहुत सुंदर जगह है और पूरे इसमें इतने सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ किया हुआ है। अगर आपने पहली बार देखा है तो कमेंट जरूर करना। और चलो आगे फिर से बढ़ते हैं। तो चलो आगे बढ़ो। अरे अरे अरे, देखो ट्रेन के भी दर्शन हो गए। और किस किस ने इससे पहले मेट्रो का दर्शन किया, मेरे ही ब्लॉग में थोड़ी सी पहले फुटेज पहले ही। और देखो ट्रेन के दर्शन होते ही यहाँ पे दिख गया है, पता है ये क्या है? शांति स्तूप, जो कि मेरे चैनल पे इसका वीडियो है, मैं ऊपर लिंक डाल दूंगी, आप देख लेना। और अभी हम लोग पास हो रहे जमुना जी के ऊपर से, बातें करते करते पहुंच गए हैं अक्षरधाम। तो ये जगह भी बहुत अच्छा है, जो जो दिल्ली आएंगे ये सब जगह जरूर जाना। और अक्षरधाम भी हम पार करके थोड़ी सी आगे बढ़े तो गाजीपुर सब्जी मंडी अभी पहुंच गए हैं, जहाँ पे मतलब कसम से इतनी बदबू है कि आप सोच नहीं सकते। देखो ऊपर कैसे चील कौवे मंडरा रहे हैं, और पता नहीं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, मुझे तो बिल्कुल ये जगह अच्छा नहीं लगता। तो आपसे बातें करते करते अभी नोएडा पहुँच गए, यहाँ पे क्या कांड हुआ आगे बताते, साथ में बने रहो। अभी बज गया है 12, लगभग हमें 1 घंटा जैसा लगा पहुंचने में। वैसे आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया है कि हम आए हैं आज बेनेली शोरूम में, क्योंकि आज हमारा जो बाइक मैंने हम लोगों ने लिया था उसका आज नंबर प्लेट लगेगा। तो लगभग ये 2 महीना लग गया हमें ये नंबर प्लेट मिलने में, क्योंकि बीच में नवरात्रि वगैरह थी तो उसका सब बंद था ना इसलिए। और रास्ते में हम लोग थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, भटक नहीं गए थे, 1 किलोमीटर पहले लेफ्ट ले लिए थे, जिस दोस्त के भागीदार मैं भी हूँ, लेकिन वाइब्स कभी गलत नहीं हो सकती है। तो चलो नंबर लगा लेते हैं, नंबर प्लेट लगा लेते हैं, क्योंकि वापस घर भी जाना है और स्कूल में बच्चे गए हुए हैं, उनके पहुँचने से पहले हमें घर पहुँचना है। बाकी तो आपने देख ही लिया है, सब कुछ मैंने बताया है, तो साथ में चलिए।
यहाँ काम तो ज़्यादा नहीं है, बस नंबर प्लेट लगाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही। और कमर मेरा बहुत दर्द कर रहा है। मैं बोलती हूँ ना, मुझे बाइक राइडिंग वैसे पसंद है लेकिन मैं ज़्यादा बैठ नहीं पाती हूँ। तो अभी पानी वानी प्यास तो लगी है, पानी पियेंगे, लेकिन इधर की चाय नहीं पियेंगे। चाय में बहुत मीठा देता है। तो मैंने भी मेरे हस्बैंड से बोला कि आप चाय मत पीना, यहाँ पे बहुत चीनी देता है चाय। पीना है चाय? साल का शुगर एक साथ खुद कर सही में बहुत बहुत मीठा होता है यहाँ। तो अभी थोड़ा पानी पियेंगे, साथ में बने रहिएगा। और गाड़ी का जैसे ही नंबर प्लेट लगेगा हम लोग निकल जाएंगे। और रास्ते में आज जैसे खाना नहीं बनाए क्योंकि जल्दी जल्दी निकल गए थे, और प्लान तो नहीं था, आपको पहले ही बताया कि प्लान नहीं था आज मेरे आने का। तो इसलिए कुछ मैंने ये इंतज़ाम नहीं किया। जाते वक्त हम लोग कुछ कहीं से खाना वाना ले लेंगे, अब क्या लेंगे वो भी प्लान नहीं है, वो भी रास्ते में ही प्लान होगा। अब हमारी गाड़ी इंतज़ार कर रही है अपने नंबर प्लेट लगाने के लिए वर्कशॉप में। तो इनको इंतज़ार करने देते हैं और चलिए हम थोड़ा सा घूम के आते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बाइक्स वगैरह रखी हुई है। और ये रेड टी शर्ट में ये भैया है, यही लगवाएंगे। तो अभी चलो। बाइक है ये T350 जोंटेस, नया है क्या? एडवेंचर टूरर बाइक है ये भी, 350 का। ये बिल्कुल नया नया लॉन्च हुआ है अभी। ये पहले मिलता तो यही बोलती मैं लेने के। कितना सुंदर लग रहा है मुझे। कलर सुंदर लेकिन पावर बहुत कम है, मतलब उसका हिसाब से कम है। इसका कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। अभी उधर से तो मुझे बहुत कुछ है, बहुत सारे इसमें कीलेस आई है, मुझे नहीं मतलब चाबी लगाने का जरूरत नहीं, चाबी पॉकेट में रखी और कार के जैसा स्टार्टिंग है। ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है ऑन द गो, आप जाते जाते आपको थोड़ा हवा ज्यादा लग रहा है इसको ऊपर कर दीजिए बटन से। हाँ, और ये फिर ये बटन से नीचे भी आ जाएगा। ये अच्छा, अरे वाह, ये यहाँ पे सब बटन है। मुझे तो चलाना नहीं आता था, आता है तो मैं ले लेती हूँ। बाइक वैसे छोटी है ये, देखो मैं बैठ रहा हूँ। अरे क्या मस्त लग रहा है, कॉम्पैक्ट है, बहुत कॉम्पैक्ट, कलर बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त सीट है, कुछ अजीब डिजाइन है यार। अब उसमें बैठ बैठ के ये हो गया ना, मुझे बहुत हार्ड लग रहा है इसका सीट। उस पे बैठ बैठ के ना उसका, हाँ सीट थोड़ा हार्ड है। चलो कोई नहीं, उसके जैसा नहीं है, उसका सीट बहुत मस्त है। पता है। और एक बाइक देखो, और ये वाली बाइक मुझे वहां से दिख नहीं रही थी, तो ये देखो ये शेरू। मुझे तो रेड कलर वैसे ही बहुत पसंद है, ये देखो ये प्योर एडवेंचर बाइक है, मस्त मस्त लुक है। ये एक्चुअली मुझे ये भी लेने का मन था लेकिन तब इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था ये। मैं जब फर्स्ट सर्विस के लिए आया था तभी जस्ट उसका एक दिन दो दिन पहले इंडिया में लॉन्च हुआ। अरे थोड़ा इंतजार कर लेते, पता नहीं था इंडिया में आने वाला है। इसका नाम आइए डिस्प्ले देखो, इसका नाम क्या है? मोरिनी। मोरिनी हाँ, डिस्प्ले देखो फुल TFT। TFT क्या होता है? स्क्रीन। अच्छा, अरे वाह, कैमरा भी है क्या पीछे? ना ना, अच्छा अच्छा है ना, मस्त, बहुत मस्त है। और इसका थोड़ा आवाज सुनाए, सुना सुना। इस टाइप का कलर बहुत पसंद है, पूरा उल्टा है हम लोगों में पसंद का, है ना? ये देखो पेन ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन व्हाइट का पसंद भी लग रहा था। अरे यार ये तो कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसे ही मैन्युफैक्चर हुआ है। तो यही सब मस्ती कर रहे हैं, बस नंबर प्लेट लग जाए और यहाँ से निकल जाए, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही है, बच्चे घर आने से पहले मुझे पहुँचना है। और ठंडा ठंडा पानी पी के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन और एक बार पीना है। अरे मुझे और एक बार यहाँ आना पड़ेगा। क्यों? एक्चुअली मुझे फॉग लाइट इंस्टॉल करना है बाइक में, जैसे विंटर सीजन में पहाड़ों में जाने से ना फॉग हो जाता है, तो फॉग लाइट उसके लिए चाहिए। और फॉग लाइट बाहर से इंस्टॉल करने से वारंटी में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि वो पता नहीं कौन सा वायर काट देंगे, क्या करेंगे, वो ला के मुझे ये टेक्नीशियन के पास ही करना है। और इनके साथ कुछ टाई अप भी है, जो मैड डॉग करके जो कंपनी है, सबसे अच्छा जिसका है फॉग लाइट। तो हमारा काम कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि 1:15 बज गया है, ज़्यादा टाइम लगा नहीं, बस 15-20 मिनट ही लगा है। तो
निकलते हैं, रास्ते पे फिर मुलाकात होगी, और साथ में बने रहो, देखते रहो आगे हम लोग क्या क्या करते हैं। चलो रेडी हो गई हूँ हेलमेट वेलमेट पहन के, अब बाइक आ जाए फिर चलते हैं, साथ में बने रहो और देखते हैं, या तो रास्ते में कुछ ले लेंगे, नहीं तो घर जाके ऑर्डर भी कर सकते। वैसे काफ़ी टाइम है, यहाँ से लगभग एक घंटा लगेगा, मतलब पौने दो या दो तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे घर पे, तो उसके बाद भी ऑर्डर कर सकते। बच्चे आते आते वैसे 3 बज जाता है, उसके बाद ही हम लोग खाना खाते हैं, उससे पहले लंच नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे भूखे रहते हैं तो हम लोगों को खाने का मन नहीं होता है। तो और रास्ते में आजकल पता नहीं 3-4 दिन से बहुत ट्रैफिक जैम लग रहा है, तो बच्चों को आने में भी बहुत लेट हो रहा है। ये लग गई है हमारी गाड़ी का नंबर प्लेट। आज खुश तो तुम बहुत ही होगे नंबर प्लेट के लिए। हाँ, नंबर प्लेट के लिए। हाँ, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, है ना? आपके आँखों में मैं दिख रही हूँ, आपकी आँखों में मैं दिख रही हूँ, आँखों में दिल में हर जगह दिखोगे। अब आओ बैठ, चलो चलते हैं। शोरूम से निकले हुए हम लोगों का लगभग 1 घंटा हो गया है और अभी हम पहुंच गए शांति स्तूप के पास। तो बाकी मैंने रास्ते का सफ़र का वीडियो नहीं लिया, एक ही रास्ता कितनी बार दिखाऊं, तो चलो कुछ और बातें करते हैं। वैसे मैं अभी लाइव आती हूं मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे रात 8 बजे। अगर आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हो तो मेरे लाइव में ज़रूर आना, और मैं एक एक दिन एक एक टॉपिक पे बात करती हूँ, तो सब लोग मेरे साथ वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो आना ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा। आप लोगों के इंतज़ार में मैं रहूँगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं, ड्राइविंग का एक नमूना देखो, ख़राब ड्राइविंग का। ये पहले एक बस है, उससे पहले एक कार है, और ये जो बाइक खड़ी है इसकी वजह से कार को लग गया है धक्का। तो किस लिए ऐसे ड्राइविंग करना, सेफ करो ड्राइव। और इसी नोट के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप बताना ज़रूर कमेंट पे कि कैसा लगा, होप करती हूँ कि अच्छा लगा और आगे भी आपका साथ मिलेगा। तो आप सब जहाँ भी हो, जैसे भी हो, बहुत अच्छा रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मेरे साथ तो ज़रूर रहना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सायोनारा।